ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अयोध्या लोको स्टाफ ने सामूहिक उपवास रखकर अपनी मांगों को बताया, जिसमें 36 घंटे हेडक्वार्टर वापसी, पुरानी पेंशन बहाली, 9 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं, लोको में एसी लगे, बिना गार्ड के गाड़ी संचालन बंद हो, रेलवे निजीकरण न किया जाए जैसी 13 प्रमुख मांगों के लिए उपवास धरना किया गया। उपवास में शामिल एलआरएसए अध्यक्ष CPL भी मौजूद रहे। मतलब कि हैं ये हमारा जो है पूरा रनिंग स्टाफ, जिसमें कि LP लोको पायलट, लोको असिस्टेंट लोको पायलट, चाहे वो मेल के हों चाहे गुड्स के हों, सभी गार्ड ये सब जो है रनिंग एसोसिएशन से आते हैं। तो हमारा ये ऑल इंडिया रनिंग लोको स्टाफ रनिंग एसोसिएशन है, इसमें हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के आदेशानुसार हम लोग जो है आज 6 जून को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रशासन की हम लोगों की विरोध में जो है कर्मचारी विरोधी जो उनकी पॉलिसी है उसके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। ये प्रशासन हमसे रात ड्यूटी तो करवाता है, रात ड्यूटी हमारी सुबह रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मानी जाती है, इसमें प्रशासन हमसे रात ड्यूटी तो करवाता है लेकिन भत्ता देने के नाम पर मना करता है। वो कहता है कि जो 43,600 रुपये तक वेतन पा रहे हैं हम केवल उन्हीं को देंगे। भाई अगर इनको रात ड्यूटी हमें नहीं देनी है तो रात में हमसे ड्यूटी क्यों करवाते हैं, जबकि पता है कि रात ड्यूटी करने जो आदमी करता है उसके शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम सही प्रकार से नहीं हो पाता, गैस की बीमारी और तमाम बीमारियां बढ़ती हैं, इन्हीं का हमको भत्ता देती गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि हम केवल 43,600 तक ही देंगे, इसके ऊपर नहीं देंगे, जबकि ये पहले मिल रहा था, पहले हर ग्रेड पे को एक निर्धारित था कितना मिलेगा, उन्होंने अब मना कर दिया इसको। हमारी ये मांग है कि हमें ये जो है कोई भी ग्रेड या वेतन निर्धारित किए बिना सबको जो भी रात ड्यूटी कर रहे हैं सबको मिलना चाहिए। तो क्या आप लोग, हम लोग गाड़ियों में चलाने में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, गाड़ियां हमारे समुचित चलाएंगे, लेकिन भूखे रह करके प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम अपनी मांगों को दादागिरी से नहीं गांधीगिरी से मनवाना चाहते हैं। हमारा नाम CPL श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, लखनऊ।